पूर्णिया में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। डगरवा के राजवेली चौक के समीप सुबह सुबह बालू लदे एक तेज रफ्तार ट्रक ने रजिस्ट्री ऑफिस में काम करने वाले मुंशी को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान डगरवा थाना क्षेत्र के भादरा गांव निवासी मोहम्मद ताहिर के 55 वर्षीय पुत्र मोहम्मद गयास के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद गयास रोजाना की तरह घर से काम करने के लिए बाइक से पूर्णिया जा रहे थे। उसी क्रम में राजवेली चौक बंजारा पेट्रोल पंप के समीप रॉन्ग साइड से आ रही बेकाबू ट्रक ने उन्हें रौंद दिया और कुछ दूर तक घसीटता रहा। इस घटना में उनके शरीर के फरकच्चे उड़ गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक और शव को अपने कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घर से पूर्णिया जा रहा था, रजिस्ट्री ऑफिस में मुंशी काम करता, बस इतना और कुछ नहीं बता सकेंगे। कहाँ से आ रहा था? यहाँ रहता है, घर से, घर भदारा, डगरवा भदारा पड़ता। कौन था ये आपका जो एक्सीडेंट किया? बड़ा भाई था। क्या काम करता वो? कचहरी में मुंशी काम, रजिस्ट्री ऑफिस में मुंशी का काम करता। कितने बजे की घटना आई? ये लगभग 9 बजे का करता। 9 बजे क्या नाम? मोहम्मद बहरुद्दीन। कैसे एक्सीडेंट हुआ ये? एक्सीडेंट ये अभी इधर से आ रहे थे, ठीक है, अपने घर को जा रहे थे। जो एनएच हाई का जो स्थिति आप तो प्रेजेंट में देख रहे हैं, इससे पहले भी एक पुलिस ऑफिसर की डेथ हुई है, कल रिसेंटली ये हुआ है, डेथ हुआ है यहीं पे आपके क्या बोलते हैं, कौन सा गांव है ये, चंदबाटी का, और आज ये हुआ है। आप अभी आप आए हैं, आप ठीक है, मीडिया से आप इस रोड पे चल के देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रोड को जिस तरह से एनएच हाई वाला जो अपना मनमानी करके किया, वन वे भी है, आप उसको भी क्लियर कर सकते हैं। जो इस तरह किया गाड़ी स्लिप की वजह से, आप देख सकते हैं कि डेड बॉडी का क्या स्थिति है। मोहम्मद गयास आलम है और ये प्रेजेंट में मुंशी भी है, क्या बोलते हैं, कचहरी में, ठीक है, प्रेजेंट रिलेशन। ये आ रहा था इधर से, कहीं से काम से आ रहा था, इतना तो कंफर्म अभी हम लोग श्योर नहीं है, क्योंकि रिलेटिव है हम लोग श्योरिटी अभी नहीं है। आप लोगों की प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से यही है कि एनएच हाई के जो सीनियर अथॉरिटी जो पूर्णिया बैठते हैं, आज इनकी डेथ हुई है, कल डेली ना डेली एक एक्सीडेंट होता है, डेली ना डेली मिस होता है, तो हम लोग का यही डिमांड है कि भैया आप जो एनएच हाई वाले हैं वो हम लोग को बिल्कुल लिखित में जवाब दें, इसको कब रिपेयर कर रहे हैं, क्या करना है, आप वन वो को यूज़ कीजिए। ये तो डेली का है कि एक ना एक एक्सीडेंट जाना है, और तो कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन होना चाहिए ना। हम लोग तो प्रशासन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डेली होता है, प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं, अभी कोई मैटर होता है तो प्रशासन ही ना हैंडल करता है, तो उसको चाहिए कि उसको इस चीज़ को देखे, सीनियर अथॉरिटी से बात करे, हमारे जिला पदाधिकारी है उनसे बात करे, क्योंकि डेली का रूल। अपना परिचय? मेरा नाम मोहम्मद रजा हुसैन, हम इनके सन भाई लगे, कजन में, घर इनका भदारा पड़ता है, मेरा घर बिसारी पड़ता है। कब की घटना है ये? अभी लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे के करीब है, 2 घंटे पहले की बात है। और कैसे हुआ ये घटना? ये अपने घर से कहीं गए थे काम के, वापिस आने के क्रम में यहाँ पे एक्सीडेंट है, जहाँ के आप खड़े हैं। किधर से आ रही थी और ये किधर से जा रहे थे? गाड़ी बाईसी की ओर से पूर्णिया की ओर जा रही थी, ये शायद 0 माइल से अपने घर के तरफ जा रहे थे। ये नहीं, गाड़ी बता रहे कि रॉन्ग साइड से जा रहा था। गाड़ी वन वे है, आप मीडिया में हैं, आप देखे होंगे, इनसे पहले भी पिछले 1 महीने से ये हाल है इन रोडों का, कि दोनों साइड ऐसा बना दिया गया है जिसमें फोर व्हीलर को ग्रिप मिलता है, वो अपने स्पीड में मस्त होते हैं, लेकिन बाइक वाले को बहुत परेशानी होती है। यहाँ तमाम लोग हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कितनी कठिनाई होती है, बाइक वाले को चलना दुश्वार हो गया यहाँ। जब से रोड का कार्य चालू हुआ है तब से कितना एक्सीडेंट हो चुका हुआ, कितने की जाने गई? अमूमन मेरे जानकारी से डगरवा थाना के इसमें मैं कह रहा हूँ कि 11
स्पॉट डेट है, लगभग 25 से ज्यादा क्या कहते हैं हॉस्पिटलाइज है। और कल की घटना बता रहा हूँ, एक ऑटो जिसमें 7 लोग सवार थे उनको इसी तरह बाहर के पलटा दिया गया है, जिसमें एक लोग क्या कहते हैं कि डेट हुआ है और कई लोग घायल भी हैं। प्रशासन से क्या मांग है आप लोगों को? प्रशासन से ये मांग है कि आपके अंडर ये सड़क आती है और ये लापरवाही NHAI की, आप लोगों को रोकना होगा। ये वन वे ट्रैफिक बना के इस तरह बुरा हाल करके ये तमाम लोगों को परेशानी हो रही है, आवाम को परेशानी है। वो तो बैठे रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। अमूमन देखिए एक से एक घटनाएं होती है। हम तो कह रहे हैं कि प्रशासन अपनी पैनी नज़र उस पर बनाए और NHAI के बदौलत आज जो एक्सीडेंट है, इससे पहले जो हुआ है वो उनके बदौलत है। आप इस रोड के हालत को देख लीजिए, एक महीने से लोगों को चलना दुश्वार हो रहा है। और स्थानीय प्रशासन जो है अभी तक आई है या नहीं आई है? स्थानीय प्रशासन अभी आई है, कुछ देर के बाद आई है, जबकि 1 किलोमीटर से भी कम होगा थाने का क्या कहते हैं एरिया, लेकिन फिर भी बहुत बहुत लेट आई है। कौन सा थाना में पड़ता है? ये डगरवा थाना में पड़ता है। गाड़ी पकड़ाया है? गाड़ी पकड़ाया गया है। क्या नाम परिचय हुआ? मोहम्मद ताड़ी कनवर, ग्राम फड़किया। जो मृतक हैं वो मेरे भाई हैं। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें Say24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।